जोहार साथियों, झारखंड राज्य अलग हुए 20 वर्षों से अधिक हो चुके हैं और इन 20 वर्षों में एक एक व्यक्ति झारखंड को बहुत करीब से देखे हैं। हम जल जंगल जमीन के लोग हैं, हमें अपनी संस्कृति अपने धरोहर से बहुत प्यार है। साथियों, हमारी गठबंधन की सरकार झारखंड वासियों की भावनाओं के अनुरूप कार्य कर रही है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का, हमारे माननीय मंत्री सर सीआरपी लीडर हमारे आलमगीर आलम जी का, हमारे माननीय मंत्री रामेश्वर उरांव जी का और समस्त मंत्री बंधु, हमारे समस्त विधायक बंधुओं का। साथियों, जिस तरह से ओबीसी वर्ग को आरक्षण देकर 27% आरक्षण देकर हमारे गठबंधन की सरकार ने ओबीसी वर्गों का भी सम्मान रखने का, उनके भावनाओं के अनुरूप कार्य करने का काम किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैंने सड़क से सदन तक से लेकर महासम्मेलन से लेकर हस्ताक्षर अभियान तक, मिस्ड कॉल के संख्याओं को जुटाने तक कई ऐसे प्रयास किए और हमारी बातों को सुना गया, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ हमारे गठबंधन की सरकार का। जिस तरह से 1932 खतियान आधारित जो झारखंड वासियों के भावनाओं के अनुरूप इसको लागू करने का कार्य हमारे गठबंधन की सरकार की तरफ से एक सराहनीय और साहसिक कदम उठाया गया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आज पुलिस कर्मियों के लिए, उनके क्षतिपूर्ति अवकाश को जो लागू कराने का कार्य किया है, उनको राहत दिलाने का कार्य किया है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं और पारा टीचर, जिनका मान सम्मान रखने का कार्य हमारे गठबंधन की सरकार की तरफ से किया गया। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने का कार्य करके, जो एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का काम किया गया हमारे सरकारी कर्मचारियों को। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जिस तरह से किसानों के हित में उनको लोन माफी करने का काम हमारी सरकार ने किया। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जिस तरह से इतने सारे कार्य जो महिलाओं के आर्थिक रूप से उनको सशक्त करने के लिए छोटे छोटे पहल हर प्रखंड में किए जा रहे हैं, उन बातों का, और कई ऐसे पहल जो हमारी सरकार ने शोषित वंचित पीड़ित और यहाँ के मूलवासी आदिवासी यहाँ के पिछड़े वर्गों को देखते हुए कई ऐसे ऐतिहासिक कार्य और कदम हमारी सरकार ने उठाए हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ, अपने सीएलपी लीडर आलमगीर आलम से अनुरोध करती हूँ कि हमारे झारखंड में एक बहुत अहम समस्या जो हमारे विस्थापन का समस्या है, उसको भी जल्द से जल्द उसका भी निराकरण करें। हमारे विस्थापित बहुत शोषित वंचित हैं और बहुत पीड़ा सह रहे हैं, पीड़ित होकर वो हमारे सरकार के ओर देख रहे हैं, उनसे उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं, उनकी पीड़ा को भी हम सबको समझने की जरूरत है। और मैं चाहती हूँ कि जल्द ही विस्थापन आयोग का गठन हो, जल्द ही लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 को लागू किया जाए, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमसे वादा किया था। मैं चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, कई ऐसे छात्र हैं जिनका रिजल्ट आउट नहीं हुआ है, जैसे कि पंचायत सचिव, होमगार्ड का भी इशू है और कई टीचर्स का इशू है, टीचर्स का एग्जाम का रिजल्ट नहीं आउट हुआ है और कई ऐसे स्टूडेंट्स का इशू है, कई इश्यूज जो मनरेगा से रिलेटेड है और ऐसे कई सारी चुनौतियां हैं हमारे सामने खड़ी, जिसको ऐसे ही इसी गति में उनको भी न्याय दिलाने का कार्य हमारी सरकार करेगी। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जितने सारे उलझनों से हमारी सरकार जैसे ही बनते ही चीजों को सुलझाने का कार्य कर रही है, ये बहुत ही साहसी कदम है, बहुत ही सराहनीय कदम है। और आप जानते हैं कि पूर्व में यहाँ के शोषित वंचित पीड़ित यहाँ के लोगों का, यहाँ के स्टूडेंट्स का, यहाँ के टीचर्स का कोई मान सम्मान नहीं रखा गया। हमारी सरकार लाठी नहीं चलाती, हमारी सरकार सम्मान देती है। पूर्व में किसी ने जिस वर्ग के बारे में नहीं सोचा, यहाँ के लोगों के बारे में नहीं सोचा, वो हमारी सरकार सोच रही है। और मैं इसी तरह से आपकी आवाज बनती रहूंगी, आपके मामलों को सरकार के समक्ष लेके उनसे उस कार्य को कराने के लिए हमेशा प्रयासरत रहूंगी।
पर क्योंकि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, अगर आपके भावनाओं के अनुरूप कार्य नहीं कर पाऊँ तो मेरा होना व्यर्थ है, जनप्रतिनिधि का होना व्यर्थ है। और मैं चाहती हूँ इसी तरह से हमारा मनोबल ऊंचा रखे, हमें अपना आशीर्वाद अपना साथ प्रदान करते रहे। बहुत बहुत अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।